हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में। अभी तक आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को केवल अपने फोन के क्रोम ब्राउजर या फिर इंटरनेट ब्राउजर या फिर अपने लैपटॉप में यूज करते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप चाहें तो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन में भी बहुत सारे काम अपने चैनल के ही कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है कि काफी सारे लोग एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज करते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो गाइस, अगर आप YouTube स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसका जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी YouTube स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन हमारे पास पहले से इंस्टॉल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें हमारे चैनल के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर नजर आते हैं, यहाँ पर हमें एनालिटिक्स नजर आती है, साथ ही साथ हमने जो वीडियोज को अपलोड किया वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें लास्ट में कमेंट सेक्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ से हम चाहें तो अपने सब्सक्राइबर को कमेंट का रिप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर मेनू ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन नजर आते हैं। हम चाहें तो यहाँ से अपने YouTube चैनल को स्विच करके किसी दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं, अगर हमारा कोई और चैनल है तो फिलहाल यहाँ पर हमें एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, कमेंट, एनालिटिक्स, यूट्यूब और यहाँ पर सेटिंग का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो फ्रंट पेज है वही हमें यहाँ पे नजर आएगा। साथ ही साथ अगर वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस को अपलोड किया वो सारे वीडियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हम चाहें तो उन वीडियो को डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो प्लेलिस्ट में हमारी क्रिएट की हुई हमें सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ओवरव्यू का ऑप्शन मिलता है, रिव्यू का ऑप्शन मिलता है, डिस्कवरी का ऑप्शन मिलता है, ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है, इंटरेक्टिव कंटेंट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही यहाँ पर प्लेलिस्ट का भी स्टेटस हमें नजर आता है। यहाँ पर हम चाहें तो यूट्यूब पे क्लिक करके हम अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे भी रिकमेंडेड हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से हम अपने पुश नोटिफिकेशन को इनेबल या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एडवांस सेटिंग का भी एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से हम काफी कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।